अफगानिस्तान से काफी मशक्कत के बाद बोकारो पहुंचे बबलू ने समाचार प्लस को कहा शुक्रिया। रविवार को अफगानिस्तान से दिल्ली एयरपोर्ट और फिर रांची पहुंचे बबलू काफी खुश दिखे। रांची एयरपोर्ट पर उतरते ही बबलू ने अपनी धरती को प्रणाम किया और सही सलामत अफगानिस्तान से अपने देश पहुंचने पर भगवान का शुक्रिया अदा किया। गौरतलब है कि समाचार प्लस ही वह चैनल है जिसने सबसे पहले बबलू की आवाज सरकार तक पहुंचाई थी और उसी का नतीजा है कि आज बबलू सकुशल अपने घर पहुंच गया। अपने घर पहुंचने पर बबलू ने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी शुक्रिया कहा है। जी, समाचार प्लस को मैं नमन करता हूं कि हमारे इंडिया आने के लिए बहुत ही सहयोग किए और इनका मैं बहुत ही आभारी हूं कि हमारा बात भारत सरकार तक समाचार प्लस के द्वारा पहुंचाया गया, इसलिए मेरे को धन्यवाद। काफ़ी खुश है अब इंडिया में आके? जी, बहुत ज़्यादा खुशी है। खुशी के बात है कि आ गए हैं मेरे हस्बैंड और बच्चा भी खुशी है। और वहाँ थे 7 दिन कैसे बीता है वो तो हम जान ही रहे हैं और वो भी कैसे बिताएं वो भी जान रहे हैं। मेरे हस्बैंड को इंडियन वापस ले आए हैं, सभी को अभी थैंक यू बोल रहे हैं कि ले आए मेरा इन हस्बैंड को वापस इंडिया। खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। खबर वही जो हमने कही।